हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पादप रोगों के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तीन पैसेस, दो पैसेस हम उसके बारे में पढ़ चुके थे। पहला पैसेस था रोगों का रोगजनक के आधार पर पादप रोगों का वर्गीकरण, और दूसरा पैसेस हमने लिया था कि क्षेत्रफल, उग्रता और घटना के आधार पर, पाई जाने वाली घटना के आधार पर पादप रोगों का वर्गीकरण। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं कि इसके आधार पर वर्गीकरण किस तरह का हो सकता है। अब हम तीसरा वर्गीकरण है हमारे पास, इक्कीस बेसिस पर दिए तीसरा आधार है पादप रोगों के वर्गीकरण का। थर्ड आधार जो है वो है फसलों के आधार पर वर्गीकरण, फसलों के आधार पर वर्गीकरण। फसलों के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं तो फसलें अलग अलग तरीके की होती हैं। किस किस तरीके की होती हैं? पहली हम बात करते हैं किसकी, धान्य फसलें। धान्य फसलें जैसे गेहूं, जो मक्का, बाजरा, ये सारी क्या है, चावल, ये सारी क्या है, धान्य फसलें। तो धान्य फसलों में होने वाला रोग, जिसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, गेहूं का रोली रोग, गेहूं का रोली रोग। यहाँ पर एक चीज है कि जहां मैं ये लिख रही हूँ तो इनमें कुछ तो आपको लर्न करने पड़े हैं, कुछ आपके कोर्स में है डिटेल में, तो आपको उनको लर्न करने, वो अपने आपको लर्न हो जाएंगे। तो कुछ आपको इसमें लर्न करने पड़ेंगे, जैसे गेहूं का रोली रोग, जौ का आवर्त कंड, इस तरह के, ये क्या है, धान्य फसलों में होने वाले धान्य फसल। दूसरी फसल जो हो सकती है वो क्या है, तिलहनी फसलों में होने वाले डिजीज। चौथी है, तीसरी हो गई हमारे पास दलहनी फसलें, दाले वाली जो फसलें हैं, दलहनी फसलों में होने वाले रोग, फसलों में होने वाले रोग। फिर चौथा हमारे पास आता है बागानी फसलों में होने वाले रोग। बागानी फसलें क्या होती है, बागानी फसलों की जब हम बात करते हैं तो बागानी फसलों में चाय, कॉफी, ये जो है ये बागानी फसलों में आती है। पांचवी हमारे पास हो सकती है सब्जियों में होने वाले रोग, सब्जियों में होने वाले रोग। क्या हो सकता, धान्य फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, बागानी फसलें, सब्जियों में होने वाले रोग। नेक्स्ट हो सकती है फलों में होने वाले रोग, फलों में होने वाले, या फलों में होने वाले, या फल जैसी जो सब्जियां होती हैं, जैसे हमने एक आम का रोग पढ़ा था, आम का छाछा रोग, नींबू का सिट्रस कैंकर, ये क्या है, फल है, तो फलों में होने वाले रोग। और लास्ट मेडिसिनल प्लांट की जब बात करें, मेडिसिनल प्लांट की जब बात करते हैं, औषधि जो पादप है, औषधि पादपों में होने वाले, पादपों में होने वाले रोग। तो हर में अपन दो दो रोग के बारे में लिखेंगे कि किस तरह के रोग होते हैं। तो यहाँ पर तिलहनी में अपन सरसों का सफेद रोली रोग, ये आपके कोर्स में है, सरसों का सफेद रोली, और मूंगफली का टिक्का डिजीज। दलहनी फसलों में चने का उकटा रोग, और मूंग का पीला मोजेक रोग। ठीक है, बागानी फसलों में चाय और कॉफी से रिलेटेड है तो हम उसका ले सकते हैं, चाय का लाल रोली रोग। किसके थ्रू हुआ था, हमने देखा था पहले, चाय का लाल रोली रोग प्रोटोजोआ के थ्रू हुआ था, चाय का लाल रोली रोग और कॉफी का रोली रोग। सब्जियों में होने वाला, सब्जियों में टमाटर वगैरह हो सकती है, सब्जियों में और क्या हो सकते हैं, आलू वगैरह हो सकते हैं, टमाटर वगैरह, ये क्या है, सब्जियां हैं, तो आलू का
मस्सा रोग भी कह सकते हैं हम, आलू का मस्सा रोग, आलू की पछेती अंगमारी, ये आलू के हैं। टमाटर का पर्णकुंचन, बैंगन का लघुपत्ति रोग, ये सारे क्या है, सब्जियों में होने वाले। टमाटर का पर्णकुंचन, भिंडी का पीच शीरा मोजे, ये सारे सब्जियों में होने वाले रोग है। फलों में अगर देखें तो नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग, आम का छाछा रोग, बेर का छाछा रोग, आम का छाछा रोग, बेर का छाछा भी हो सकता है इसके अंदर, बेर का छाछा रोग या अमरूद की मिलानी भी हो सकती है जो तो आपके कोर्स में है। औषधीय पाकों में होने वाला रोग जैसे ग्वार पाठा या तुलसी में होने वाला रोग, तो ग्वार पाठा में तना गलन रोग, तना गलन रोग किसके अंदर, ग्वार पाठा में, ग्वार पाठा में तना गलन रोग, और तुलसी के अंदर उखटा रोग। ये तुलसी और ग्वारपाठा क्या है, औषधि उत्पादन करने वाले पौधे हैं, तो औषधि पादपों में होने वाले रोग तना गलन रोग या तुलसी का उखटा रोग हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड जो बेसिस था वो क्या था, फसलों के आधार पर। हमने फसलों के आधार पर इसको सात भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से सात भाग, धान्य फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, बागानी फसलें, सब्जियों में होने वाले रोग, फलों में होने वाले रोग और औषधीय पादपों में होने वाले रोग। तो ये हमारा फसलों के आधार पर वर्गीकरण। तो तीसरा हमारा पादप रोग का जो वर्गीकरण का आधार था कि फसलों पर रोगों का वर्गीकरण हम फसलों के आधार पर भी कर सकते हैं, और हमने इस तरह फसलों के वर्गीकरण को देखा। ठीक है, तो ये हमारा फसलों का वर्गीकरण हुआ। अब हम आते हैं हमारे चौथे आधार में। चौथा आधार है हमारे पोषण न्यूनता के आधार पर, है ना, क्या आधार है, पोषण न्यूनता के आधार पर। तो इस पोषण न्यूनता के आधार पर चौथा हमारे पास है पोषण न्यूनता के आधार पर। पोषण न्यूनता के आधार पर, पोषण न्यूनता में मोस्टली अगर हम बात करते हैं कोई पैथोजन जो है, कोई रोग कारक जो है, अगर किसी प्लांट पर अटैक करता है तो हम इसको क्या कहते हैं, संक्रमण। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको कि पोषण न्यूनता, किसी मिनरल की या किसी चीज की अगर कमी है तो हम उसको संक्रमण नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे, विकार उत्पन्न हो गए। ठीक है, संक्रमण इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन उनकी कमी से विकार उत्पन्न हो गए। ये कमी किन किन कारणों से हो सकती है, हमने पहले भी पढ़ा है, ये कमी जो है चार कारणों से हो सकती है। पहला है पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, उपस्थिति या अनुपस्थिति पर, या अनुपस्थिति, अपन अनुपस्थिति ले लो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पर, फिर प्रदूषकों की ज्यादा उपस्थिति पर हो सकती है, या आर्द्रता ज्यादा हो, आर्द्रता की ज्यादा या कम आर्द्रता हो आर्द्रता होने पर, और ज्यादा या कम टेम्परेचर होने पर। ठीक है, कम या अधिक टेम्परेचर होने पर, कम या अधिक टेम्परेचर होने पर अपन ने पहले लिखा था, तापमान होने पर क्या होता है, कम टेम्परेचर होता है तो पाला हो जाता है, और ज्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या हो जाता है, सूरज हो जाता है, सूख जाती है फसलें, सूरज डिजीज हो जाती है। फिर इसके बाद या फिर ऑक्सीजन की प्रदूषकों की उपस्थिति ज्यादा या कम, या प्रकाश की अधिकता या कमी, प्रकाश की अधिकता या कमी से इस तरह की डिजीज पॉसिबल हो सकती है।
अब इसमें या अगर इन चीजों की कमी हो तो हम उनको क्या कहेंगे, विकार उत्पन्न हो गए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी का संक्रमण हो गया। संक्रमण कब होता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उस पर अटैक करता है, उसके कारण जब पौधा खराब हो जाता है, वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, संक्रमण। लेकिन यहाँ पर संक्रमण नहीं हो रहा है, उनकी कमी हो गई, तो उसके आधार पर हमने इसको इस भाग करे कोर्स में पोषण तत्वों की कमी के बारे में दे रखा है। तो पोषक तत्वों की कमी में एक हमारे जिंक दे रखा है, एमन दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, और लास्ट इसके अंदर मॉलिब्डेनम दे रखा है। ठीक है, तो आपको जिंक की कमी से क्या हो जाता है, चावल का खीरा रोग हो जाता है। ये आपको लर्न करना है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको लर्न रखना है इसको। चावल का खीरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से हो जाता है। दूसरा है मैग्नीज की कमी से जई का ओट्स, ना जई का मतलब था ओट, जई का दूसर चित्ती रोग हो जाता है। छोटे क्वेश्चंस में इन चारों में से कोई एक क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको लर्न करना है। जिंक की कमी से चावल का खीरा रोग, मैग्नीज की कमी से जई का दूसर चित्ती रोग, और कैल्शियम की कमी से टमाटर का पुष्पाग्र गलन रोग, टमाटर का पुष्पाग्र गलन रोग, तथा लास्ट जो है मॉलिब्डेनम के लिए। ये एग्जामिनेशन जेट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है। मॉलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी का विप्टल रोग, फूल गोभी का विप्टल रोग होता है। तो आपको इन चारों के बारे में लर्न करना है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप इसे लर्न करें। फिर यहाँ हमने फोर्थ जो देखा था वो था पोषण न्यूनता के आधार पर। यहाँ हम इसको संक्रमण नहीं कहते, हम इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विकार। क्योंकि ये किन कारणों से हो रहा है, जो हमारे अजैविक कारक है, अबायोटिक फैक्टर्स जो है उनके कारण हो रहा है। तो क्या हो सकते हैं, पोषक तत्व यानी मिनरल्स जो है उनकी कमी से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, तो ऐसी प्रदूषकों की ज्यादा उपस्थिति हो, ऐसी कंडीशन में आर्द्रता जो है ज्यादा हो या कम हो, ऐसी कंडीशन में तापमान भी कम या ज्यादा हो, या प्रकाश की बहुत ज्यादा अधिकता हो या बहुत ज्यादा कमी हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये डिजीज हो सकती है। तो हमारे पास ये चौथा ऑप्शन था पोषण न्यूनता के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। अब हमारे पास पांचवा आधार है पादप रोगों के वर्गीकरण का, जो हम लेते हैं वो है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, और हम जानते हैं मोस्टली तीन ऋतुएं आती है आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहला है वर्षा ऋतु में होने वाले, वर्षा ऋतु में होने वाले रोग, में होने वाले रोग। सेकेंड आता है हमारा सर्दी की ऋतु में होने वाले रोग, ऋतु में होने वाले रोग। और लास्ट आता है गर्मी की ऋतु में होने वाले रोग, गर्मी की ऋतु में होने वाले रोग। तो हम ये इसको अगर हमें याद रखने के लिए अगर देखना है, तो जो वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती है, और अभी तक मैंने आपको वर्षा ऋतु में होने वाली फसलों से रिलेटेड जितने भी रोग बताए हैं, आप इसमें उसको लिख सकते हो। जिससे वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, बाजरा बोया जाता है, मक्का बोया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मक्का से होने वाले डिजीज या बाजरे से होने वाले डिजीज को आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही सर्दी की ऋतु में मोस्टली गेहूं बोया जाता है, तो हम गेहूं की बहुत सारे रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो गेहूं का रोली रोग हुआ, गेहूं का अनावृत कंड हुआ, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सर्दी की ऋतु में होने वाले रोग वो होंगे। और गर्मी की ऋतु में होने वाले रोग, ज्यादा प्रकाश की जब उपस्थिति होती है तो गर्मी की ऋतु में होने वाले रोग क्या होंगे, सूरज दाग,
रोग महत्वपूर्ण होगा इसमें। वैसे तो इसकी जो फसलें होगी हम उनके बारे में भी लिखेंगे, लेकिन सूरज दाग जो होगा वो क्या होगा, गर्मी की, क्योंकि ज्यादा प्रकाश होगा, ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा तापमान होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो आम का सूरज दाग रोग है वो इससे रिलेटेड होगा। और सर्दी की ऋतु में ज्यादा सर्दी होगी तो जो पाला मारना वाला जो रोग है वो सर्दी की ऋतु में होगा, जोपा धारीदार रोग, ठीक है, सरसों का रोली रोग, ये सारे सर्दी की ऋतु में जो आएगी वो फसलें सर्दी की ऋतु में होने वाले रोगों के बारे में होंगे। तो आज हम हमारे वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि पादप रोगों के वर्गीकरण को हमने 5 उद्देश्य बताए हैं कि पादप रोग रोगजनक की उपस्थिति के आधार पर, फिर हमने उनके क्षेत्रफल, उग्रता और उसकी घटना के आधार पर, फिर हमने थर्ड फसलों के आधार पर देखे थे कि फसलों के आधार पर रोगों का वर्गीकरण, फिर नेक्स्ट पोषण न्यूनता के आधार पर, और लास्ट हमने देखा था कि ऋतुओं के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। तो इसके बाद आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में पादप रोगों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।